हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ब्रजेश कुमार एंड आज मैं आप सभी लोगों के लिए लाइव आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने आया हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हमें बहुत परेशान कर रखी हैं इन दिनों। आपने देखा होगा कि परसों से एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है, जिसके लिए कई लोगों ने जो है ढेर सारे वीडियोज़ बनाए हैं और ढेर सारी बातें कही हैं। पर आज मैं आपको किसी पार्टिकुलर पार्टी के लिए बात करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों का मत जानने आया हूँ। मत यानी कि हमारा हक है कि हमें भी थोड़ा सा लोगों को जागरूक करना चाहिए। जहाँ पे मुझे कमियाँ नज़र आ रही वहाँ पे मैं बात करने आया हूँ। एक्चुअली हुआ क्या कि कई वीडियोस में मैंने ऐसा देखा कि कई लोग एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, कांग्रेस वाले बीजेपी को, बीजेपी वाले कांग्रेस को एंड पंजाब पुलिस को वगैरह वगैरह, राइट। तो मैं एक्चुअली जो बात कहना चाहता हूँ उस बात पर थोड़ा सा गौर करिएगा कि जो भी कुछ हुआ है इस चीज़ से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जो चीज़ें मैं आपको बताने चल रहा हूँ, आई होप सो कि आप लोगों को भी एक सीख मिलेगी यहाँ से, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा सबक लिया है इस कांड से जो कुछ भी हुआ है अभी परसों, और इस जो कुछ भी इस हादसे से मुझे सीखने को मिला मैं उस चीज़ को शेयर करना चाहूँगा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि अगर इसमें कुछ भी सच्चाई थी, राइट, अगर इसमें पुलिस जो है चूक कर गई है, पता नहीं जानबूझ के इससे पुलिस से चूक हुई या फिर इसमें कुछ प्रोपोगंडा था, जो भी था, क्योंकि कई लोगों ने ये बोला है कि इसमें पूरी की पूरी साजिश की गई थी, एक बहुत बड़े नेता यानी कि बहुत बड़े लीडर की जान लेने की साजिश की गई थी। पर मेरा मानना ये है कि इसमें अगर साजिश थी या नहीं थी उस चीज़ को हम लोग यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि एक पक्ष कहता है कि ये जो कुछ भी हुआ वो मोदी जी खुद चाहते थे इसलिए हुआ, और एक पक्ष कहता है कि नहीं, इसमें जो कुछ भी हुआ वो कांग्रेस यानी कि पंजाब पुलिस की गलती से हुआ या फिर उन लोगों ने जानबूझकर ये साजिश किया था ऐसे बीच रास्ते में रोकने के लिए। तो गाइस मुझे नहीं पता कि इसमें क्या था, क्योंकि अभी सच्चाई की तह पर ना तो हम पहुंचे हैं ना आप पहुंचे, सब लोग अपना अपना बस मत दे रहे हैं, जिनको जो समझ में आ रहा है वो बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग किसी भी पार्टिकुलर पार्टी को गाली ना दें, किसी भी बीजेपी को कार्यकर्ता का कोई हक नहीं है कि वो कांग्रेस को गाली दें या फिर कांग्रेस का कोई हक नहीं किसी बीजेपी को गाली दें। मैं एक्चुअली जो बात बताना चाहता हूँ इस बात पर गौर करिएगा कि अगर ये साजिश थी तो हम लोग बहुत बड़े घाटे में जाने वाले थे, जी हाँ, और बहुत बड़ी गलती करने वाले थे हम लोग। तो इस बात को समझिएगा कि मैं आज जो मोदी जी की बात करने जा रहा हूँ, उस मोदी जी की बात करने जा रहा हूँ जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि पूरे विदेश में छाए हुए नाम की बात करने जा रहा हूँ। जी हाँ, हर कंट्री आज उनको फॉलो कर रही है, तो इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो कि मैन ऑफ वर्ड्स कहलाता है। मैन ऑफ वर्ड्स, यस, जिसके पास ज्ञान का भंडार है, जो चाहे तो पूरी दुनिया को नचा सकता है, जो चाहे तो पूरी दुनिया को चला सकता है, जो चाहे तो पूरी कंट्री को मैनेज कर सकता है। अगर मान लो ये हादसा हुआ होता, अगर मान लो जो ये साजिश, अगर इसको साजिश कहा जा रहा है, तो वो साजिश अगर आज सक्सेसफुल हो गई होती, तो सोचो, बस एक बार बैठ के दो मिनट के लिए सोचना कि कितना बड़ा लॉस होने वाला था इस कंट्री से। अभी कुछ दिनों पहले आपने एक जवान की जो है आपने मृत्यु देखी थी, जो कि हेलीकॉप्टर में हादसा हुआ था। इतने बड़े डायमंड को खोने के बाद हम लोग फिर से एक बहुत बड़े डायमंड को खोने वाले थे। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर ये साजिश की गई थी तो आप लोग से बड़ा बेवकूफ़ और आप लोगों से बड़ा चूतिया इंसान इस दुनिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि एक छोटी सी पार्टी 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 की वजह से आप लोग एक बहुत बड़े डायमंड को खोने वाले थे। एक उन्हीं की देन है जो आज इंडिया पूरे देश में जो है नाम कर रहा है, राज कर रहा है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट पहले तो ये करना चाहूँगा, उन लोगों से स्पेशली करना चाहूँगा जिन्होंने ये साजिश रची थी या फिर जिनसे ये चूक हुई, अगर ये चूक थी तो उस चूक को लेकर मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी चूक दोबारा नहीं होनी चाहिए, वरना ये इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे देश के नागरिकों के लिए, यहाँ की सिक्योरिटी पे उंगली उठाने वाला काम हो जाएगा और पूरी दुनिया थूकेगी आपके ऊपर। दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद, जहाँ पे 1200 सिक्योरिटी के बावजूद और इतनी VIP सिक्योरिटी साथ में चलने के बावजूद भी मोदी जी 20 मिनट तक कैसे वहाँ पे फंसे रह गए, तो कुछ लोगों का कहना यह भी है कि ये मोदी जी का प्लान था। अगर ये मोदी जी का प्लान था या फिर बीजेपी का प्लान था, तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, आप लोग राजनीति के चक्कर में ये जो कुछ भी करते हैं, राइट, ये सब कहीं ना कहीं अपने देश को गुमराह करने वाली बात हो जाती है, और आप लोग एक गलती और भी कर रहे हो इस चक्कर में। जो बना बनाया आपका एक पूरा प्लान होता है वो फ्लॉप तो होता ही है, प्लस लोगों की उंगलियां उठने लगती हैं। मैंने एक वीडियो और देखा जिसमें लोग मोदी जी को चप्पल की माला पहनाए हुए थे। शर्म करो यार, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बीजेपी के नेता थे,
जी हाँ, आप लोग उनको पार्टी की नजरिए से क्यों देखते हैं? आप लोगों को अगर देखना ही है तो उन्हें एक प्रधानमंत्री के नज़रिए से देखिए कि वो आपके देश के प्रधानमंत्री हैं। और आपने जो वीडियो, जो भी फोटोज़ ऐसे चप्पल की माला बना के अपने प्रधानमंत्री को पहनाया है, वो सिर्फ आप नहीं देख रहे हो, आपका देश नहीं देख रहा है, बल्कि वो पूरा का पूरा कंट्री देख रहा है जो इस वर्ल्ड पे है, जो इस पूरे संसार में जितनी भी कंट्रीज हैं आज सोशल मीडिया की मदद से सब लोग देख रहे हैं कि ये देखो, ये है भारत के प्रधानमंत्री। मुझे तो शर्म आती है उन लोगों पे जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया होगा, मुझे शर्म आती है उन लोगों पे जिन्होंने इस फोटो को वायरल किया होगा। अरे कब आएगी अकल? यू आर इंडियन गाइज, आप लोग इंडियन हैं। आप लोगों से मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी कोई चीज़ शेयर करने से पहले एक बार सोच लिया करिए कि आपने उस व्यक्ति की फोटो को शेयर किया, वो भी चप्पल की माला के साथ, जो इस समय पूरे इंडिया को मैनेज कर रहा है बैठ के। आज इतनी वीआईपी रोड्स देख रहे हो आप, इतने वीआईपी फ्लाईओवर्स देख रहे हो, सारी चीज़ें जो बन रही हैं, एक बड़े बड़े लेवल के जो डेवलपमेंट देख रहे हो, वो सिर्फ मोदी जी की देन है, जो बाहर जाके कंट्री में सारे के सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लागू कर रहे हैं। था किसी में इतना पावर, था किसी में इतनी बुद्धिमत्ता नहीं थी, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन एक चीज़ और थी, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बीजेपी वालों, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि आप लोगों में बहुत ढेर सारी कमियाँ दिख रही हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, मोदी जी का नाम तो खराब कर ही रहे हो, साथ ही साथ अपने देश का नाम खराब कर रहे हो। कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि दो चीज़ें हैं, एक या तो ये बीजेपी की साजिश थी, उनका प्लान था, उन्होंने जानबूझ के रिटर्न लिया, या फिर अगर ऐसा नहीं था, जो उंगली उठ रही है कांग्रेस के ऊपर, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक है अपनी सिक्योरिटी को लेकर, अपने देश के लिए। किसानों से भी एक निवेदन करना चाहूँगा कि आपने जो रास्ता जाम किया होगा, जो भी किसी के कहने पर किया या फिर खुद से किया, जैसा भी किया आप लोगों ने, पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि आप लोगों के लिए उन्होंने कुछ नियम्स लगाए, उसमें कुछ चूक हुई, आप लोगों को नहीं समझ में आया, आपने उसे वापस भी करवाया, उन्होंने हाँ भी कर लिया, और उस एग्रीमेंट को भी यहाँ से कहीं ना कहीं उन्होंने वापस ले लिया। फिर भी आप लोगों ने ऐसा जो काम किया, ऐसे रास्ते में किसी को रोकना, वो भी इतने बड़े प्रधानमंत्री को, जो कि आपके लिए जा रहे थे, आपके पंजाब में जा रहे थे, ये भी तो एक शर्मनाक बात हो गई ना। आपको क्या लगता है गाइस? आप सभी लोग जो लोग लाइव देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मैं कमेंट्स में मिलना चाहूँगा कि आप लोग कमेंट्स करें, इस वीडियो पे अपनी राय दें, क्या ये साजिश हुई होती सफल? अगर ये साजिश थी, आपको क्या लगता है, अगर ये साजिश थी, ये सफल होती तो क्या होता? और अगर ये प्लान था हमारे बीजेपी का, तो इसके लिए आप क्या राय देना चाहते हैं? और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप एक प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के नज़रिए से देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सभी लोग प्लीज़ इस बात पे ज़रूर सोचें कि आज अगर ऐसा कुछ होता जो 20 मिनट तक उनको रोका गया, उस 20 मिनट के अंदर कुछ भी ऐसा होता, फ्लाईओवर ही उड़ा दिया जाता या फिर कुछ भी होता, क्योंकि 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे हमारा पाकिस्तान जैसा देश है, जो कि सबसे बड़ा एनिमी है हमारा, तो सोचो आज हमारे साथ क्या होता। मैं आप सभी लोगों से एक निवेदन और भी करूंगा कि आप लोग एक दूसरे के खिलाफ ये गाली गलौज वाले वीडियोस बना के शेयर करना बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी सच्चाई किसी को भी नहीं पता है। इसलिए मैंने भी इस लाइव में सिर्फ ये जानने की कोशिश की है आप लोगों की राय, आप लोगों के कमेंट्स के द्वारा, कि आप लोगों को क्या लगता है, ये साजिश थी महस, या फिर ये था एक अफवाह, या फिर था ये बीजेपी वालों का प्लान। सो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, एंड आई होप सो कि आप सभी लोग इस लाइव को डेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे, और इसके लिए आप कमेंट्स अपने जरूर छोड़ेंगे, अपनी राय जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।